स्टूडेंट इन द बायोफार्मास्यूटिक्स एब्जॉर्प्शन द टॉपिक इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन इन विच वी आर डिस्कस अबाउट द फिजिको केमिकल फैक्टर्स. इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वी आर डिस्कस अबाउट द फिजिको केमिकल फैक्टर. इन फिजिको केमिकल फैक्टर दिस इज द पार्टिकल साइज एंड सर्फेस एरिया एंड पॉलीमॉर्फिज्म. तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्टिकल साइज एंड सर्फेस एरिया आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, साथ में पॉलीमॉर्फिज्म देखा कि कैसे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है. आज फिजिको केमिकल फैक्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि डिसोल्यूशन एंड सॉलिबिलिटी कैसे हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है. तो देखें ड्रग सॉलिबिलिटी एंड डिसोल्यूशन. तो डिसोल्यूशन का अगर डेफिनेशन देखें तो यहां पे लिखा गया इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिबिलाइजिंग सॉलिड सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट. तो यहां पे कहा गया कि सॉलिड सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए या सॉलिबिलाइज हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन रेट देखें क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट गोज इनटू सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम. तो डिसोल्यूशन रेट, अब डिसोल्यूशन एक तरह से सॉलिबिलिटी है, लेकिन जब रेट आ गया तो सॉलिबिलिटी को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, टाइम से. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना ड्रग सॉलिबिलाइज हो रहा है. तो यही कहा गया कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, कितना अमाउंट सॉलिड सब्सटेंस का गोज इनटू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जा रहा है या सॉलिबिलाइज हो रहा पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. यानी कंडीशन हम लोग यहां पे स्टैंडर्ड रखेंगे, टेम्परेचर, पीएच एंड सॉल्वेंट कंपोजिशन एंड कॉन्स्टेंट सॉलिड सर्फेस एरिया. ठीक है, तो डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन रेट में जो फर्क है वो किसका है, टाइम का. डिसोल्यूशन में हम लोग सॉलिबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई सॉलिड है, जैसे इसको किसी सॉल्वेंट में इसको अगर हम लोग एड करते हैं तो ये चीज पूरा आपस में क्या होगा, सॉलिबिलाइज हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन. ठीक है, और जब डिसोल्यूशन रेट हम बात करेंगे तो डिसोल्यूशन रेट कहा गया कि डिसोल्यूशन रेट कहा गया कि यहां पे रेट का मतलब हो गया, हमने इससे रिलेट किया टाइम. और डिसोल्यूशन रेट क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है. ठीक, इसी तरह से एब्सोल्यूट और इंट्रिंसिक सॉलिबिलिटी, एब्सोल्यूट और इंट्रिंसिक सॉलिबिलिटी किसे कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर एंड पीएच. तो यहां क्या, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट. अब मैक्सिमम अमाउंट का मतलब है कि अगर आपने 10 ml कोई सॉल्वेंट लिया है और कोई ड्रग ए है आपके पास, तो इसमें कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है. अगर आप लोगों ने सैचुरेशन सॉलिबिलिटी देखी हो, आप NaCl लेते हैं और आप इसको डिसॉल्व करते हैं किसमें, वाटर में. NaCl ऐड करते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि NaCl मिक्स होना बंद हो जाता है, और इसको आप लोग कहते हैं मैक्सिमम सॉलिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन सॉलिबिलिटी. तो यहां पे भी एब्सोल्यूट या इंट्रिंसिक सॉलिबिलिटी कहा गया कि जो मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट, किसी भी गिवन सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सॉलिबिलिटी. और इंट्रिंसिक सॉलिबिलिटी को कहा गया इट इज ए स्टैटिक प्रॉपर्टी. डिसोल्यूशन रेट डायनेमिक प्रोसेस है और एब्सोल्यूट और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी है, स्टैटिक प्रॉपर्टी. देखिए पॉइंट लिखा, ओवरऑल एडमिनिस्टर्ड डोजेस मस्ट बी डिसॉल्व इन जीआई यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड बिफोर इट्स एब्जॉर्प्शन फॉर द सिस्टमिक एक्शन. तो ड्रग एब्जॉर्प्शन हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास ओरल रूट से अगर हम लोग ड्रग देते हैं तो ये जीआई सिस्टम में जाता है और फिर यहां जीआई सिस्टम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां जाता है, ब्लड में. और ये इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, इसी चीज को हम लोग पढ़ भी रहे हैं. तो यहां पे कहा गया कि जब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किसी डोजेस फॉर्म को करते हैं तो मस्ट क्या है, डिसॉल्व इन जीआई फ्लूइड, यानी जो हमारा ड्रग है ये पहली कंडीशन है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विसाइट्स है कि ड्रग क्या होना चाहिए, डिसॉल्व होना चाहिए किसमें, जीआई फ्लूइड में. ठीक, अब जब ये जीआई फ्लूइड में डिसॉल्व होगा तभी हमारा जो ड्रग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाएगा. ठीक है, तो हाईली सॉल्युबल ड्रग रिक्वायर स्मॉल डोज टू शो गुड एब्जॉर्प्शन. तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी हाईली इनसॉल्युबल ड्रग अगर है तो उसके लिए हमें रिक्वायर स्मॉल डोज टू गुड एब्जॉर्प्शन. अगर हाईली इनसॉल्युबल ड्रग अगर हमारे पास है तो इसका हमें स्मॉल डोज ही ड्रग एब्जॉर्प्शन शो करेगा. ज्यादा क्वांटिटी में अगर ड्रग देंगे तो वो उतना एब्जॉर्प्शन उसमें शो
नहीं करेगा। और ये चीज मैं आपको पार्टिकल साइज में भी बता चुका हूं कि जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक, इनसॉल्विल का मतलब हाइड्रोफोबिक ड्रग, जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होते हैं इनका अगर आप पार्टिकल साइज रिड्यूस भी कर देते हो तो भी इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक, अब देखा जाए सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग कैन बी इनहांस्ड, तो ऐसे ड्रग जो सॉल्युबिलाइज नहीं है इनकी, सॉरी जो सॉल्युबिलाइज है या सॉल्युबिलाइज नहीं, कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी इनहांस करनी हो तो कैसे इनहांस करेंगे, विद एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक एक्सिपिएंट। हम लोग एसिडिक या बेसिक एक्सिपिएंट ऐड करके सॉल्युबिलिटी इनहांस कर सकते हैं। माइक्रोनाइजेशन का मतलब होता है साइज रिडक्शन, जैसे आप लोगों ने पार्टिकल साइज में मैंने आप लोगों को बताया था हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो आपने पार्टिकल साइज रिड्यूस किया तो सरफेस एरिया क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, जिससे इसकी डिजोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो रही थी, बट हाइड्रोफोबिक के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। तो एग्जाम्पल देखें क्या, सॉल्युबिलाइजेशन ऑफ एस्प्रिन ड्रग है मे बी इनहांस्ड बाय द एडिशन ऑफ एल्कलाइन बफर, तो एल्कलाइन बफर एस्प्रिन के साथ अगर ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में हमने ऐड किया एक्सिपिएंट एल्कलाइन एसिड या बेस और हम लोगों ने एस्प्रिन की सॉल्युबिलिटी को इनहांस कर दिया। टू क्रिटिकल प्रोसेस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, अगर हम लोग ओरल ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो दो चीजें होती हैं, रेट ऑफ डिजोल्यूशन एंड रेट ऑफ ड्रग परमिएशन। तो ड्रग का डिजोल्यूशन का रेट क्या है और ड्रग जो परमिनेट कर रहा है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बायो मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड जीआई मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ ड्रग परमिएशन। ठीक है, तो दो चीजें आपकी है, रेट ऑफ ड्रग परमिएशन थ्रू बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रेट ऑफ डिजोल्यूशन। अब देखिए दो कंडीशन यहां पे जनरेट हुई, दो तरह के ड्रग हमारे पास है, फॉर पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग रेट ऑफ डिजोल्यूशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजोल्यूशन रेट लिमिटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि पहली कंडीशन है पुअर वाटर सॉल्युबल ड्रग है, पुअर वाटर सॉल्युबल है, जो वाटर में अच्छी तरह से सॉल्युबलाइज नहीं हो रही है, तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन, जो डिजोल्यूशन मीन्स उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो रेट को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है किसी भी प्रोसेस का, किसी भी रिएक्शंस का, उसी को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपका ड्रग पुअरली सॉल्युबल है तो जब पुअरली सॉल्युबल होगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, और जब प्लाज्मा में पुअरली, तो ये कहा गया कि जो रेट ऑफ डिजोल्यूशन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा जब हमारा ड्रग पुअरली वाटर सॉल्युबल है। अभी आगे आएगा देखते हैं, फॉर हाईली वाटर सॉल्युबल अगर ड्रग है कि ड्रग इजिली सॉल्युबलाइज हो रहा है तो डिजोल्यूशन रैपिड होगा, डिजोल्यूशन क्या होगा फास्ट, देन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज परमिएशन एंड एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड परमिएशन रेट लिमिटेड। ठीक है, तो पहले कंडीशन में ग्रिसियोफ्लाविन स्पायरो इलेक्ट्रॉन और दूसरे देखें क्रोमाइलोइन सोडियम और नियोमाइसिन सल्फेट। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझे हम लोग, अगर देखिए सॉलिड डोजेस फॉर्म है हमारे पास, आप टैबलेट कैप्सूल कुछ भी कह सकते हैं, अगर हम लोग इसको टैबलेट ले लें कि हमने टैबलेट लिया है, तो टैबलेट आपने लिया तो ये डिसइंटीग्रेट होगा यानी डीएग्रीगेशन होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से टूट जाएगा और टूटने के बाद सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे ड्रग के पार्टिकल्स होंगे, अब इसका डिजोल्यूशन होगा। ठीक, तो दो कंडीशन है पुअरली वाटर सॉल्युबल एंड हाईली वाटर सॉल्युबल, तो पुअरली वाटर सॉल्युबल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक ड्रग, पुअरली वाटर सॉल्युबल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक ड्रग। ठीक, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका क्या होगा, डिजोल्यूशन, और इसी तरह से अब डिजोल्यूशन होने के बाद ड्रग गया सोल्यूशन में, सोल्यूशन के बाद कहां पहुंचेगा, एब्जॉर्प्शन साइट पे, अब ये बायो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बॉडी यानी इसको हम लोग कहते हैं ब्लड में जाएगा। ठीक, ब्लड में जाएगा यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा किसके लिए, हाइड्रोफिलिक ड्रग, हाइड्रोफिलिक ड्रग मतलब हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग। अब इसको अगर समझे क्या, इसको इसके कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इधर हमारा ब्लड है। अब आपने कोई ड्रग लिया, अगर आपने टैबलेट लिया, अब दो कंडीशन आपने जनरेट किया, आपने इसका डिसइंटीग्रेशन किया, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया और इधर भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। पहला क्या है, पुअरली वाटर सॉल्युबल है, ठीक, जिसको अब आप कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक, जो वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं है। अब जब ये पुअरली वाटर सॉल्युबल है
तो ये स्लोली डिजोल्व होगा, धीरे धीरे सॉल्युबलाइज होगा, ठीक। जब धीरे धीरे सॉल्युबल होगा तो जितना सॉल्युबल होगा उतना मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्युबल हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन तो इसका फास्ट है लेकिन सॉल्युबिलिटी इसकी पुअर है। तो सॉल्युबिलिटी स्लो है इसलिए स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा गया। तो इसलिए डिजोल्यूशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा हाइड्रोफोबिक या पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है, हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग है और साथ में हाइड्रोफिलिक इसको कह रहे हैं। तो अगर हाइड्रोफिलिक है तो ये इजीली, जैसे आपने जीआई फ्लूइड में गया ये सारा सॉल्युबल हो गया। अब सारा सॉल्युबल हो गया तो तुरंत तो क्रॉस करेगा नहीं, जितना मेम्ब्रेन इसको अलाउ करेगा उतना ही ब्लड में जाएगा। यानी अब इसके जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दैट इज कॉल्ड परमिएशन, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा हाइड्रोफिलिक के लिए परमिएशन, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर हमारे पास पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग है जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक ड्रग कह रहे हैं, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिसोल्यूशन होगा जिसमें ग्रिसियोफ्लाविन स्पायरोनोलैक्टोन है। हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग है जिसको हाइड्रोफिलिक कह रहे हैं, उसमें आपका सॉल्युबिलिटी फास्ट है लेकिन उसके रेट को डिटरमाइन करेगा परमिएशन, और इसमें हमारा होगा जो एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड परमिएशन रेट लिमिटेड। अब कुछ थियरी दी गई है डिसोल्यूशन के लिए, कुछ थियरी दी गई है। तो अगेन वही डिसोल्यूशन लिखा गया, डिसोल्यूशन इन विच सॉलिड सब्सटेंस सॉल्युबलाइज इन द गिवन सॉल्वेंट, यानी किसी भी गिवन सॉल्वेंट में अगर सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन, दैट इज मास ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड सर्फेस टू लिक्विड सर्फेस। मास ट्रांसफर का मतलब कि अगर आपने ये लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है तो इसके कुछ पार्ट इसमें इस तरह से क्या होंगे, सोल्यूशन में गोज होंगे यानी डिजोल्व होंगे। फिर इसकी जो कंडीशन बन के आएगी अगर आप देखें तो इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर इसके कुछ पार्ट डिजोल्व होंगे और लास्ट में फिर इट होगा सिस्टम। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ का जो कुछ सॉलिड पार्ट किसमें चला जा रहा है, लिक्विड में, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है तो सॉलिड में चला जा रहा है, इसी को कहते हैं मास ट्रांसफर। यहाँ पे मास का ट्रांसफर हो रहा है तो डिसोल्यूशन में मास का ट्रांसफर होता है फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू लिक्विड सरफेस। देखिए तीन थियोरी दी गई है अगर आप देखें रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन थियोरी, दैट इज अ डिफ्यूजन लेयर थियोरी, डैंकवर्ड्स थियोरी एंड इंटरफेशियल बैरियर। ये जो थियोरी ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में थियोरी ऑफ डिसोल्यूशन और फिर जो फैक्टर्स में पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो थियोरी ऑफ डिसोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। और जीपैट में अगर आप देखेंगे तो जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थियोरी ऑफ डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए देखते हैं वन बाय वन, डिफ्यूजन लेयर थियोरी क्या है, डैंकवर्ड थियोरी क्या है और इंटरफेशियल बैरियर क्या है। सो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन लेयर थियोरी एंड दैट इज कॉल्ड फिल्म थियोरी, इसका दूसरा नाम भी है फिल्म थियोरी एंड डिफ्यूजन लेयर थियोरी। और ये देखिए इट इज अ सिंपल एंड कॉमन मेथड, ये बहुत ही कॉमन थियोरी है, कॉमन मेथड और सिंपल है। दिस थियोरी कंपेराइज टू स्टेप, इसमें दो स्टेप होते हैं, ठीक। पहला स्टेप देखिए क्या कहा गया, फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन और स्टैग्नेंट लेयर व्हेन सॉलिड ड्रग कम इन कॉन्टेक्ट विद जीआई मीडिया। तो जैसे ही सॉलिड आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाता है एक डिफ्यूजन और स्टैग्नेंट लेयर बन जाती है, ठीक। ये स्टैग्नेंट लेयर कर क्या रहा है, डिफ्यूजन लेयर फॉर्म्स होगा एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, यानी एक डिफ्यूजन लेयर बना सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे। डिफ्यूजन लेयर जो होता है सेचुरेटेड विद द ड्रग एंड दिस स्टेप इज जनरली रैपिड। तो पहले स्टेप्स को अगर आप समझें कि ये जो आपका ड्रग पार्टिकल है, अगर आप यहां पे देखें ये जो ड्रग पार्टिकल है, जैसे आपने इसको जीआई फ्लूइड में भेजा, ये जीआई फ्लूइड है। अब जैसे जीआई फ्लूइड में जाएगा तो ये सॉलिड पार्टिकल है, ये इसके चारों तरफ देखिए ये क्या आ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, इसको आप कह रहे हैं जीआई फ्लूइड। ये जो वाटर मॉलिक्यूल बना इसके चारों तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल की जो फिल्म बन रही है, इसी फिल्म को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन या स्टैग्नेंट लेयर, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन लेयर स्टैग्नेंट लेयर। तो डिफ्यूजन लेयर फॉर्म हुआ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे, तो ये आपका सॉलिड था, इसके चारों तरफ इस तरह से लिक्विड आ गया, ठीक।
तो ये सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस पे आपका डिफ्यूजन लेयर बन गया। डिफ्यूजन लेयर सेचुरेटेड विद द ड्रग। अभी जो ड्रग है ये डिजॉल्व होके सबसे पहले लेयर में इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी और इसको कहा गया सेचुरेशन, और ये स्टेप बहुत फास्ट होता है। तो पहला हो गया डिफ्यूजन और स्टैग्नेंट लेयर। तो जैसे आपने सॉलिड को किसी लिक्विड में ऐड किया, जैसे आपने लिक्विड या सॉल्वेंट में ऐड किया यानी जीआई फ्लूइड में, गैस के चारों तरफ एक वाटर की फिल्म बन गई, इसलिए इसका नाम दिया गया फिल्म थियरी। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है यहां पे, पहले कहा गया दो स्टेप होते हैं, तो पहला स्टेप तो हो गया डिफ्यूजन स्टैग्नेंट लेयर का बनना। दूसरा क्या कह रहा है, डिफ्यूजन यानी मूवमेंट होगा सोल्युबल सल्यूट फ्रॉम स्टैग्नेंट लेयर टू द बल्क सोल्यूशन। ठीक। अब यहां पे कह रहा है कि ये जो आपका सॉलिड पार्टिकल था इसके चारों तरफ ये लेयर का जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक, इसमें ड्रग डिसॉल्व हो गई। अब कह रहा है कि अब इस ड्रग का मूवमेंट होगा, ठीक, स्टैग्नेंट लेयर से मूव करेगा, कहां जाएगा, बल्क सोल्यूशन में जाएगा। ठीक, बल्क सोल्यूशन में। दिस स्टेप इज यूजली स्लो, ये स्लो स्टेप है और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक, ये फास्ट था और ये स्लो था। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी किसी भी प्रोसेस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जो स्लो स्टेप होता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं कि आप पेन प्रिपेयर कर रहे हैं, पेन बनाने के लिए क्या चाहिए, कैप, बॉडी और रिफिल, ये तीन चीजें चाहिए। और आप देखिए 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 घंटे में कैप की क्वांटिटी है 50, बॉडी की क्वांटिटी है 30 एंड रिफिल की क्वांटिटी है 5। तो अगर कोई कहे 1 घंटे में कितना पेन बन रहा है, तो कंप्लीट पेन अगर आप देखें तो आप कहेंगे 5। क्यों 5 बना, क्योंकि सबसे स्लो स्टेप 5 है। तो एक कंप्लीट पेन बनाने के लिए कैप भी चाहिए, बॉडी भी चाहिए और रिफिल भी चाहिए। तो रिफिल 5 बन रहा है इसलिए पेन रेडी होगा 5, इसलिए कहा गया स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। तो दो चीजें हैं आपके, डिफ्यूजन और स्टैग्नेंट लेयर, और स्टैग्नेंट लेयर से आपका ड्रग कहां जाएगा, बल्क में। ठीक। तो इस डायग्राम में अगर आप यहां पे देखें तो ये ड्रग पार्टिकल था, इसके चारों तरफ आप ये देखें ये सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, यहां पे लिखा गया सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है। ठीक। और ये स्टैग्नेंट लेयर है आपकी। ठीक। अब स्टैग्नेंट लेयर बनने के बाद अब आपका ड्रग पार्टिकल, ये बल्क आपका है, ये बल्क फ्लूइड है। अब पहले ड्रग जाएगा स्टैग्नेंट लेयर में, सेचुरेट होगा, और सेचुरेट होने के बाद अब यहां से मूव करके कहां जाएगा, बल्क फ्लूइड में, और बल्क फ्लूइड में जब जाएगा देन अगेन ये बायो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और कहां चला जाएगा, सर्कुलेशन में। ठीक है। अब इस फिगर से देखा जाए जो दोनों चीजें आपकी थी, एक बार इस फिगर से और समझ में आएगा आपको। ये ड्रग पार्टिकल है आपका, और ड्रग पार्टिकल के बाद अगर आप देखें तो ये जैसे जीआई फ्लूइड में एंटर कराए आप, ये ड्रग पार्टिकल के चारों तरफ ही देखिए वाटर की फिल्म बन गई, और इसी वाटर की फिल्म को हम लोग कहते हैं स्टैग्नेंट लेयर, जिसका कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं सीएस से, और ये सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है। अब क्या होगा, ड्रग मॉलिक्यूल अब सेचुरेटेड लेयर में यहां से डिफ्यूज होके कहां जाएगा, बल्क सोल्यूशन में, ये बल्क सोल्यूशन है। ठीक है। बल्क सोल्यूशन में आया, अब ड्रग का कंसंट्रेशन यहां क्या है, सीबी। अब जब बल्क सोल्यूशन में आएगा अब यहां से क्रॉस करके कहां जाएगा, सर्कुलेशन यानी ब्लड में, बायो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो डिजोल्विंग मीडिया, ल्यूमेन ऑफ जीआई। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। तो पहला जो है स्टैग्नेंट लेयर का फॉर्मेशन होना, दूसरा ड्रग मॉलिक्यूल का डिफ्यूज होना, ये दो स्टेप्स इसमें यूज होते हैं। और इसको डिफाइन करने के लिए नॉइस बिटनी इक्वेशन आपको पहले भी बता चुका हूं, डीसी अपॉन डीटी इक्वल टू के सी एस माइनस सीबी। तो कंसंट्रेशन ऑफ स्टैग्नेंट लेयर, कंसंट्रेशन ऑफ बल्क फ्लूइड। अब देखिए बर्नर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉइज विटनी इक्वेशन को मॉडिफाई किया, बर्नर थे जिन्होंने मॉडिफाई किया नॉइज विटनी इक्वेशन को बाय इनकॉर्पोरेटिंग फर्स्ट फिक्स लॉ, जो फर्स्ट फिक्स लॉ था उसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद इक्वेशन इन्होंने डेराइव की डीसी अपॉन डीटी इक्वल टू डैक, ये हम लोगों ने पढ़ा था डैक, डब्ल्यू बाई ओ इन ब्रैकेट सी एस माइनस सी वी वी एच। तो डीसी अपॉन डीटी डिजोल्यूशन रेट है आपका, डी ड्रग डिफ्यूजन कोफिशियंट, इसको डिफ्यूसिबिलिटी कहते हैं,
डब्ल्यू बाई ओ पार्टीशन कोफिशियंट ऑफ ड्रग है, इसको इंट्रिंजिक डिजोल्यूशन रेट कॉन्स्टेंट कहते हैं। सी एस आपका ड्रग कंटेंट इन स्टैग्नेंट लेयर, सी बी ड्रग कंटेंट है बल्क फ्लूड में, सी एस माइनस सी बी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये मैं बता चुका हूं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू प्लेसेस। एरिया देखें, सरफेस एरिया ऑफ ए, सरफेस एरिया है डिजोल्विंग ऑफ सॉलिड जो एक्सपोज है डिजोल्यूशन मीडिया में, वी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ डिजोल्यूशन मीडिया, और एच आपका थिकनेस ऑफ स्टैग्नेंट लेयर। ठीक है, अब देखा जाए क्या क्या फैक्टर हैं जो आपके डिजोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर में देखें, पहला जो आपने इक्वेशन जो डिराइव किया था वहां से डिफ्यूजिव कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज्यादा होगा फास्टर डिजोल्यूशन होगा, क्योंकि डिफ्यूजन कांस्टेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ए था, ए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो सरफेस एरिया यानी हम सरफेस एरिया ग्रेटर यानी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। माइक्रोनाइज्ड ड्रग, अभी प्रीवियस क्लास में हमने बात किया कि किसी भी पार्टिकल का अगर हम लोग साइज रिडक्शन करते हैं तो उसका क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फास्टर डिजोल्यूशन होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी आपने देखा सी एस माइनस सी बी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ग्रेटर वैल्यू होगी फास्टर डिजोल्यूशन होगा। पार्टीशन कोफिशियंट देखा जाए, हायर द वैल्यू मीन्स हाइड्रोफिलिसिटी फास्टर द डिजोल्यूशन, यानी हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, के वा डब्ल्यू बाई यू है, ओ बाई डब्ल्यू नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा के डब्ल्यू बाई यू है, तो हायर वैल्यू होगी तो हाइड्रोफिलिसिटी एंड फास्टर डिजोल्यूशन यानी एक्वस मीडियम में ज्यादा डिजोल्व होगा। थिकनेस ऑफ स्टैग्नेंट लेयर आपने देखा, तो लेयर जितनी थिक होगी ड्रग का डिजोल्यूशन उतना स्लो होगा, क्यों, क्योंकि ये जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल है इसके चारों तरफ इस तरह से स्टैग्नेंट लेयर जितना ज्यादा बनेगा उसको ये क्या पाथ, इसको बोलते हैं पाथ, रास्ता बोलते हैं, रास्ता उतना बड़ा हो जाएगा, जितना रास्ता बड़ा होगा समय उतना ज्यादा लगेगा, तो डिजोल्यूशन रेट स्लो हो जाएगा। अब देखिए इन विट्रो डिजोल्यूशन और इन विवो डिजोल्यूशन दो वर्ड्स यहां पे यूज किया, डिजोल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, इन विट्रो डिजोल्यूशन है, इन विवो ये क्या होता है। इन विट्रो डिजोल्यूशन रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अंडर नॉन सिंक कंडीशन ड्यू टू लिमिटेड डिजोल्यूशन मीडिया, इन विवो डिजोल्यूशन रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक दैट इज अ सिंक कंडीशन। अब देखो इन विट्रो और इन विवो का क्या मतलब होता है कि आउटसाइड द बॉडी, यानी हम लोग बॉडी यानी कोई भी लिविंग सिस्टम यूज ना करें और हम लोग लेबोरेटरी एपरेटस यूज करें, अगर लैब के एपरेटस यूज करें अगर हम लोग और उसमें अगर हम लोग डिजोल्यूशन कर रहे हैं तो इसको कहते हैं इन विट्रो डिजोल्यूशन। और इन विट्रो डिजोल्यूशन आप लोग बास्केट टाइप और पैडल टाइप यूज करते हैं, टैबलेट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा बास्केट टाइप एंड पैडल टाइप, इसको हम लोग कहेंगे इन विट्रो डिजोल्यूशन। इन विवो डिजोल्यूशन का मतलब जब लिविंग सिस्टम हम लोग यूज करें, ठीक, और उसमें अगर हम लोग डिजोल्यूशन परफॉर्म करें तो इसको बोलते हैं इन विवो डिजोल्यूशन। तो यहां कहा गया कि इन विट्रो डिजोल्यूशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा अंडर नॉन सिंक कंडीशन, और जब इन विवो फॉलो कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स दैट इज कॉल्ड सिंक कंडीशन। देखो सिंक कंडीशन का क्या मतलब होता है, सिंक कंडीशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। सिंक क्या करता है कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस मेंटेन करके रखता है, और जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस मेंटेन होगा तब आपका जो डिजोल्यूशन है या जो ड्रग का ट्रांसफर है वो फास्ट होगा। तो इन विट्रो डिजोल्यूशन अगर आप देखें तो जीरो ऑर्डर को फॉलो किया, और जीरो ऑर्डर फॉलो किया तो जीरो ऑर्डर ड्रग कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है तो ये जीरो ऑर्डर को करेगा और कंडीशन होगी सिंक। लेकिन अगर आप इन विट्रो देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा क्योंकि सिंक कंडीशन। अब ये होगा क्या, सिंक कंडीशन नॉन सिंक कंडीशन का क्या मतलब है कि अगर आप देखो ये कहा गया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर आपका, ठीक, इधर ब्लड है आपका, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, और इधर आपने पीसीएम लिया पैरासीटामोल, जीआई में 500 एमजी पैरासीटामोल आ गया, हाई सारा सॉलिबलाइज था। अब जैसे 500 एमजी आया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, 500 माइनस जीरो यानी डिफरेंस 500 का मेंटेन है। अब ड्रग इधर चला गया 100, इधर हो गया 400। अब जैसे 100 mg ड्रग गया
ये यहां से मूव होके अदर प्लेस पे चला जाएगा, यहां तो रहेगा नहीं क्योंकि ब्लड मूव करता है, ब्लड आपका मूवेबल है, और यहां से इसको अदर प्लेस पे लेके चला जाएगा। जैसे अदर प्लेस पे लेके गया, फिर यहां पे जो आपका ड्रग का कंसंट्रेशन निल, यानी अगेन फिर 400 माइनस 0, अब हो गया 400। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन है, और ये जो कंडीशन डेवलप हुआ है इसी को कहते हैं सिंक कंडीशन। क्या कहते हैं? सिंक कंडीशन। ये इन वीवो में होगा। इन वीवो में क्यों रहा है? क्योंकि ब्लड मूव कर रहा है, ड्रग जा रहा है, ब्लड मूव कर रहा है। अब यहां पे जो आपका ड्रग का जो ट्रांसफर है वो आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए कहा गया है जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। लेकिन अगर इनविट्रो डिजोल्यूशन अगर आप करते हैं, तो इनविट्रो डिजोल्यूशन में आप डिजोल्यूशन बास्केट यूज किया, आपने इसमें डिजोल्यूशन मीडिया ले लिया मान लीजिए 900 ml, और आपने यहां टेबलेट प्लेस कर दिया। अब जैसे आपने टेबलेट प्लेस किया, अब ये टूटेगा और यहां से ड्रग रिलीज होगा। ड्रग रिलीज हो रहा, कंसंट्रेशन जैसे आपका ड्रग रिलीज होगा, और ये ड्रग कहां जाएगा? सोल्यूशन में। और जैसे जाएगा तो एक कंडीशन ये आएगी कि अगर 500 mg पैरासिटामोल आपने लिया, तो जैसे लिक्विड में 250 गया तो यहां पे 250 बचा रहेगा, और दैट इज अटेन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम मिल गया अब ड्रग का ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसलिए ड्रग का ट्रांसफर इंक्रीज किया, फिर कॉन्स्टेंट हो गया। ये जो इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे नॉन सिंक कंडीशन है, और इस नॉन सिंक कंडीशन है। अब ये समझ में आ गया सिंक कंडीशन और नॉन सिंक कंडीशन, ठीक है। अभी कहा गया कि आप इन विट्रो में अलग फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है, इन वीवो में आपका जीरो ऑर्डर चल रहा है। इसको अगर कोरिलेट करना हो कि इन विट्रो हम लोग कर लें और उसका है कि इन विट्रो डिजोल्यूशन करने के बाद इन वीवो को ही मान लें, क्योंकि इन विट्रो करना इजी है, इन वीवो करना डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको लिविंग सिस्टम चाहिए, एनिमल यूज करना पड़ेगा, ह्यूमन बींग यूज करना पड़ेगा, और इन विट्रो आप लैब में कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये जो सिंक कंडीशन है ये लैब में ही अगर हम लोग दे दें इन विट्रो सिस्टम में, तो हमारा इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन मेंटेन हो जाएगा। तो इन विट्रो इन वीवो डिजोल्यूशन रेट को कोरिलेट करने के लिए फॉलोइंग वे टू ऑब्टेन इन विट्रो इन वीवो डिजोल्यूशन रेट कोरिलेशन, कुछ मेथड है, हम उसको ऑप्ट करके हम लोग इन विट्रो में भी सिंक कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। तो पहला लिखा बाथिंग द डिजॉल्व सॉलिड इन फ्रेश सॉल्वेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बाथिंग द डिजॉल्व सॉलिड, जो सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है उसको फ्रेश सॉल्वेंट से क्या करें? बात करें। तो अगर आपको डिजोल्यूशन याद हो, डिजोल्यूशन याद हो तो आप इसमें 900 ml सोल्यूशन लेते हैं, ठीक। बास्केट आपने लिया इस तरह से, इसमें टैबलेट डाल दिया। अब आप क्या करते हैं कि रेगुलर टाइम इंटरवल पे आप इसमें से 10 ml सैंपल विड्रॉ करते हैं। ये विड्रॉ किया आपने, जैसे विड्रॉ किया फिर इसमें आप फ्रेश सॉल्वेंट 10 ml ऐड कर देते हैं, क्लियर है। जब आपने 10 ml सैंपल फिर ऐड कर दिया, फिर आपने बाथिंग कर दी फ्रेश सॉल्वेंट से डिजोल्व सॉलिड की, अब सेचुरेशन कंडीशन नहीं आएगी और आपका नॉन सिंक नहीं, सिंक कंडीशन इसी के कारण मेंटेन हो जाता है। इसीलिए फ्रेश सैंपल 10 ml ऐड किया जाता है, ये डिजोल्यूशन में बार बार पूछा जाता है व्हाई वी आर एडिंग अ फ्रेश सॉल्वेंट। तो फ्रेश सॉल्वेंट सिर्फ इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें कौन सी कंडीशन मेंटेन करनी है? सिंक कंडीशन को मेंटेन करना है। दूसरा कहा गया इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डिजोल्यूशन मीडिया। हम डिजोल्यूशन मीडिया के वॉल्यूम को बढ़ा दें तो भी सेचुरेशन सॉल्युबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक। एडिंग वाटर मिसिबल सॉल्वेंट, हम लोग को भी वाटर मिसिबल सॉल्वेंट मिला दें सच एज एल्कोहल टू डिजोल्यूशन मीडिया। तो वाटर मिसिबल सॉल्वेंट मिलाएंगे, अपने डिजोल्यूशन मीडिया का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग फिर हमारा यहाँ कंडीशन क्या होगा? सिंक कंडीशन मेंटेन हो जाएगी और इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन मिलेगा। एडिंग सेलेक्टेड एडसॉल्वेंट टू रिमूव द डिजोल्व ड्रग, हम कोई सॉल्वेंट ऐड करें और जैसे जो ड्रग डिजोल्व उसको एडसॉल्व कर ले, यानी जैसे ड्रग आपका डिजोल्व होगा आपके सॉल्वेंट द्वारा एड्सॉर्ब हो जाएगा, फिर जैसे एड्सॉर्ब होगा आपके लिक्विड में आपके सॉल्वेंट में ड्रग की कमी होगी और ड्रग का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंक कंडीशन नॉन सिंक कंडीशन समझ में आ गया, क्लियर। तो सिंक कंडीशन का मतलब होता है हम लोग कंसंट्रेशन डिफरेंस बनाए, और नॉन सिंक कंडीशन का मतलब है कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस मेंटेन नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था डिफ्यूजन लेयर थियरी, सबसे इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा जो है वो मेथड है, जो थियरी दी गई है वो डैंकवर्ड द्वारा दी गई, इसको कहा गया डैंकवर्ड मॉडल, पेनिट्रेशन या सरफेस रिन्यूअल थ्योरी बोला जाता है। अब इसमें पहला पॉइंट कहा गया कि जो डैंकवर्ड है डिड नॉट अप्रूव द
एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैग्नेंट लेयर। इन्होंने कहा कि स्टैग्नेंट लेयर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो फिर कैसे डिजोल्यूशन हो रहा है? इन्होंने सजेस्ट क्या किया कि दैट टर्बुलेंस इन डिजोल्यूशन मीडिया। अब आपको लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो पढ़ा था आप लोगों ने, लेमिनार फ्लो का मतलब लेयर में एंड टर्बुलेंस का मतलब जिगजैग मोशन में, तो ये टर्बुलेंस है। यानी टर्बुलेंस इन डिजोल्यूशन मीडिया एग्जिस्ट एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, यानी एक टर्बुलेंस क्रिएट किया जा रहा है और आपके सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे। टर्बुलेंस के नाते हो क्या रहा है कि टर्बुलेंस किसके, एजिटेटेड फ्लूइड, जो एजिटेटेड फ्लूइड है, जो फ्लूइड मिक्स हो रहा है, कंसिस्टिंग मैक्रोस्कोपिक मास ऑफ इडीज और पैकेट्स रीज टू सॉलिड लिक्विड इंटरफेस इन इट रैंडम फैशन ड्यू टू इडीज करेंट। तो पहली चीज इन्होंने कही कोई स्टैग्नेंट लेयर नहीं है। फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि टर्बुलेंस होता है कहां पे, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे, यानी ये सॉलिड है और ये लिक्विड है अगर आपके पास, तो यहां पे टर्बुलेंस होगा। टर्बुलेंस का मतलब क्या, लिक्विड आएगा जाएगा आएगा जाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंस। अब टर्बुलेंस में कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक मास इडीज एंड पॉकेट्स होते हैं जो आपके सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे पहुंचते हैं। तो ये देखिए आपका सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ठीक, ये डिजोल्विंग सॉलिड है जो डिजोल्व होगा, ये पैकेट्स ऑफ सॉल्वेंट सैचुरेटेड विद ड्रग लिविंग इंटरफेस बल्क सॉल्यूशन, और ये फ्रेश पैकेट ऑफ द सॉल्वेंट। फ्रेश पैकेट ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब ये है कि इसमें कोई ड्रग नहीं है। अभी देखिए गया इसको हिट करेगा, जैसे इससे हिट होगा सॉलिड लिक्विड इंटरफेस में, इसका जो ड्रग है मॉलिक्यूल इस पैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और जैसे मिक्स होगा कंडीशन डेवलप होगी पैकेट ऑफ सॉल्वेंट सैचुरेटेड विद द ड्रग, और फिर यहां से क्या होगा, रिमूव होकर इसमें जाएगा बल्क सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये डैंकवर्ट मॉडल ने ये बताने की कोशिश की कि कोई स्टैग्नेंट लेयर नहीं होती है। यहां पे क्या होता है, सॉल्वेंट के पैकेट्स होते हैं, फ्रेश सॉल्वेंट के पैकेट्स, जो ड्यू टू द टर्बुलेंस ये यहां पे इडीज करंट के नाते यहां जाके स्ट्राइक करता है और यहां ड्रग को डिजोल्व करेगा, अब फिर ये बल्क फ्लूइड में आके मिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही आपका पैकेट्स जो अभी बताया कि इसको हिट करेगा, तो इसके बाद जो एब्जॉर्ब द सॉल्यूट बाय डिफ्यूजन एंड कैरी इनटू द बल्क सॉल्यूशन, तो मैंने कहा ये ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, अब कैरी करके कहां लेके जाएगा, बल्क सॉल्यूशन में। पैकेट आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड, पैकेट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड होंगे, यानी बार बार यहां से फ्रेश सॉल्वेंट इससे आके हिट करेगा, ड्रग को लेके जाएगा, फिर फ्रेश सॉल्वेंट आएगा, फिर ड्रग को लेके चला जाएगा। तो पैकेट्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस विद न्यू पैकेट्स ऑफ फ्रेश सॉल्वेंट ड्यू टू ड्रग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ड्रग का ग्रेडियंट यहां पे भी मेंटेन है, जो अभी आपको हमने इन विट्रो इन व्यू में बताया। सिंस द सॉल्वेंट पैकेट आर एक्सपोज टू न्यू सॉलिड सर्फेस ईच टाइम, द थियरी इज कॉल्ड सर्फेस रिन्यूअल थियरी, ठीक है, सर्फेस में। सिंस सॉल्वेंट पैकेट्स आर एक्सपोज टू द न्यू सॉलिड सर्फेस हर समय, तो इसीलिए इसको कहते हैं सर्फेस रिन्यूअल थियरी। इसका क्या मतलब है कि जब आपने इससे आपका जो फ्रेश पॉकेट है सॉल्वेंट का, जैसे इसे हिट किया, यहां से ड्रग लेके जाएगा, तो अब इसका एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे एरिया डिक्रीज होगा इसका सर्फेस नया हो जाएगा, फिर सॉल्वेंट लेके जाएगा, फिर इसका एरिया डिक्रीज करेगा, फिर सर्फेस न्यू हो जाएगा। तो बार बार सरफेस आपका न्यू हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। तो डैंकवर्ट मॉडल इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन, इसको इस इक्वेशन से एक्सप्रेस किया गया, वी डी सी अपॉन डी टी डी एम अपॉन डी टी ए इन ब्रैकेट सी एस माइनस सी वी अंडर रूट आर डी। तो देखिए एम मास ऑफ सॉलिड डिजोल्व होता है, आर को हम लोग कहते हैं इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है। तो अब आपको डैंकवर्ट मॉडल में जो याद रखना है, डैंकवर्ट मॉडल को सरफेस रिन्यूअल थ्योरी कहते हैं, और इसमें कोई स्टैग्नेंट लेयर की बात नहीं की गई, आपको बस याद होना फ्रेश पॉकेट ऑफ सॉल्वेंट आपके ड्रग पार्टिकल से हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, और वहां से सॉलिड को डिजोल्व करके पैकेट ऑफ सॉल्वेंट सैचुरेटेड ड्रग वहां से रिमूव होगा। क्योंकि ड्रग का जो पार्टिकल है उसका साइज छोटा होता जा रहा है, इसका सर्फेस रिन्यू होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्फेस रिन्यूअल थियरी। अब लास्ट थियरी है आपका इंटरफेशियल बैरियर मॉडल, या इसी को हम लोग कहते हैं डबल बैरियर और लिमिटेड सॉल्वेशन थियरी।
ठीक है, इंटरफेशियल बैरियर मॉडल, इसी को डबल बैरियर या लिमिटेड सॉल्वेशन थियरी कहते हैं। इस पे भी दो एजम्पशंस हैं। वो एजम्पशंस क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट कंट्रोल डिजोल्यूशन रेट इज मास ट्रांसफर। अब देखो यहां पे कहा गया कि जो सॉलिड है आपके लिक्विड में जो डिजोल्व होगा कितना मास ट्रांसफर हो रहा है उसकी बात की जाएगी। जितना ज्यादा मास ट्रांसफर होगा डिजोल्यूशन उतना फास्ट होगा, जितना स्लो होगा मास ट्रांसफर डिजोल्यूशन उतना स्लो होगा। देखो सबका अपना अपना कहने का तरीका है, सारी चीजों में बात यह है कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो सॉल्यूशन में जाए। किसी ने कहा ठीक, तो सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। इन्होंने कहा कि जो सॉलिड इंटरफेस है यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। ये दो एजम्पशंस पे आपका इंटरफेशियल बैरियर चलता है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरफेशियल बैरियर मॉडल एन इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन कैन एग्जिस्ट एट द इंटरफेस। एज रिजल्ट सॉल्वेशन मैकेनिज्म एंड इज अ फंक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी रादर देन डिफ्यूजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक हम लोगों ने डिफ्यूजन की बात की। इन्होंने कहा डिफ्यूजन नहीं है, ये फंक्शन है सॉल्युबिलिटी का, जिसको कहा गया सॉल्वेशन मैकेनिज्म। इन्होंने कहा कि जो सॉलिड और लिक्विड का जो आपका इंटरफेशियल बैरियर है यहां पे एक इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करता है, और इंटरमीडिएट सॉरी कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करता है और इसी को सॉल्वेशन मैकेनिज्म कहा गया। और कितना सॉलिड का मास ट्रांसफर लिक्विड में हो रहा है इसी को सॉल्वेंट सॉरी इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है ना कि डिफ्यूजन पे। तो इन्होंने एक क्वेश्चन दिया जी के आई सी एस माइनस सी बी, जी डिजोल्यूशन रेट पर यूनिट एरिया, आई इंटरफेशियल ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेंट। तो तीन थियरी आपको मिली, डिफ्यूजन और इंटरफेशियल और डैंकवर्ड मॉडल। तो ये देखिए आपका था फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो प्रीवियस में हम लोगों ने पार्टिकल साइज और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा डिजोल्यूशन। और डिजोल्यूशन में कहा गया कि कितना सॉलिड से मास ट्रांसफर हो रहा लिक्विड में, इसी को आप लोगों ने डिजोल्यूशन कहा। डिजोल्यूशन रेट आपने देखा क्या होता है, और उसके बाद इन विट्रो और इन वीवो आपने देखा क्या है, और इन दोनों में कैसे कोरिलेशन मेंटेन करते हैं। सिंक कंडीशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि सिंक कंडीशन क्या है। और तीन थियरी दी गई है, अगर आप देखें तो डिफ्यूजन लेयर जिसमें स्टैग्नेंट लेयर की बात की गई और आपका मॉलिक्यूल डिफ्यूज हुआ, तो दो सिस्टम की यहां बात की गई कि स्टैग्नेंट लेयर और डिफ्यूजन। डैंकवर्ड मॉडल आया, इन्होंने कहा कोई स्टैग्नेंट लेयर नहीं होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट के पैकेट की बात की गई कि जो फ्रेश सॉल्वेंट का पैकेट होता है, फ्रेश सॉल्वेंट, ये फ्रेश सॉल्वेंट का पैकेट आपके सॉलिड सरफेस से स्ट्राइक करता है और वहां से सॉलिड को डिफ्यूज करा के डिजोल्व करा के वापस चलाता है। ठीक है, इंटरफेशियल बैरियर में कहा गया कि आप कोई नहीं, इसमें सॉल्वेशन सिस्टम होता है, और सॉल्वेशन का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, कितना मास ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड पे, तो ये सॉल्वेशन थियरी है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द डिजोल्यूशन था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जिसमें थियरी ऑफ डिजोल्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी क्वेरीज और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।